अरुण, जब मैं 2019 में आई थी तो हमें कितना टाइम लगता था इनिशियली ग्रोसरीज खरीदने में वीकेंड पे? मिनिमम 3 to 4 hours. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Neha and you're watching me Australia. तो आज के वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेके जाने वाली हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए. तो हम कुछ हफ्तों से लॉकडाउन में हैं और मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या कंटेंट बनाऊं जिससे आप रिलेट कर सको. ग्रोसरी शॉपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. तो ऑस्ट्रेलिया में हम कैसे ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, अगर आपको ये देखना है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. वैसे हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस. आई कैन ओनली मूव इन द 5 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम माई हाउस. तो उसमें बहुत सारे शॉप्स आ जाते हैं तो हमें इतनी दिक्कत नहीं है, हमें सब कुछ मिल जाता है जो हमें ज़रूरत है. काफ़ी सारे इंडियन शॉप्स हैं, कोल्स है और भी लोकल ग्रोसरी शॉप्स हैं, ग्रीन ग्रोसर्स हैं. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए. और साथ में आई एम कुकिंग कटहल बिरयानी. तो ये कुछ कटहल मिले हैं मुझे. मैंने मेक कटहल बिरयानी. अभी इतना टेम्पटिंग नहीं लग रहा है बट आई विल शो यू वीडियो के एंड तक आएगा, सब तक तो बन ही जाना चाहिए कि हाउ दिस टर्नड आउट टू बी. तो ये है हमारा बैग्स का खजाना. वी रीयूज ऑल द बैग्स. तो हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए सारे पुराने बैग्स लेकर जाएंगे और इनमें ही सब कुछ भर कर लाएंगे. सेव द एनवायरनमेंट. The first stop is Coles. First up, recycling the soft plastic. हम सब कलेक्ट करके रखते हैं एंड देन वी कम टू Coles एंड वी फॉर फॉर रिसाइकलिंग. दिस इज द फ्रीजर. ये सारे योगर्ट, क्रीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क, almond milk, coconut milk, lots of milk. So we buy the light, Coles light milk. I think ये 2 liters है. हाँ, but बहुत options हैं. You can take any one of these. इंटरनेशनल फूड सेक्शन है बट यहाँ पे आपको सूजी, दाल, प्रेजल्स, छोले, राजमा एंड दिस इज व्हाट, थाई ग्रीन करी पेस्ट. यहाँ थाई कुजीन का भी साटे सॉस, रेड थाई, थाई रेड करी, थाई ग्रीन करी, कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क सॉरी, सब कुछ है. सो दिस इज द एशियन फूड सेक्शन. आगे है इंडियन, तो वहाँ चलते. सो यू कैन फाइंड घी एंड चटनी और ये सारे मसाले. ये सब अभी हमारे पास है तो हम तो नहीं खरीदेंगे बट हाँ, नमकीन भी है, बिस्किट, अचार, सरसों तेल, पापड़, ये करी पेस्ट है मतलब रेडी टू ईट टाइप्स. एंड दिस इज अगेन सूजी, बेसन, दालें, आटा, चावल, बहुत सारी वैरायटी नहीं है बट हाँ बेसिक तो कवर्ड है. सो अरुण इज लुकिंग एट द लिस्ट. वी ऑलवेज कम विद अ शॉपिंग लिस्ट वरना हम पता नहीं क्या क्या खरीद लेंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत है. एज यू कैन सी बहुत कुछ है. सो टू फोकस हम अपना लिस्ट अपने साथ लाते हैं. हर्ब्स एंड स्पाइसेस तो इंडियन वाले नहीं है, मतलब इंडियन भी मिल जाएंगे आपको बट बेसिकली बारबेक्यू और हरीसा, ऑल पर्पज, चिकन सॉल्ट ब्लेंड, बहुत सारे तरह के स्पाइस मिक्सेस आपको यहाँ मिल जाएंगे. दिस इज योर लॉन्ड्री, वैनिश, क्लीनिंग सप्लाइज एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ मेकअप. थिंग्स यू शुड नेवर बाय फ्रॉम सुपर मार्केट, गार्लिक पेस्ट घर पर बना लो यार, इतना महंगा क्यों खरीदोगे आप.
Always scan your flyby's card. से शॉपिंग डन, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था हमें, बेसिक चीज़ें, बट स्टिल वी स्पेंड $23 विच इज़ अ लॉट वी पेड यूजिंग कैश, ताकि हम ट्रैक कर सकें कि हम ग्रोसरीज पे कितना खर्च कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टॉप इज सब्जी वाली दुकान, तो चलते हैं सब्जियाँ लेते हैं. Unfortunately, it's very crowded. यहाँ से होगी हमारी मेजर शॉपिंग, फ्रूट्स, वेजीज एंड एवरीथिंग एल्स. सो वी यूज आवर ओन प्लास्टिक एंड वी गेट. ओके, सो ये है मशरूम, दिस इज $6.98 पर के जी. अभी हम कोल्स गए थे, वहाँ स्पेशल पे ये $10 पर के जी था. तो नाउ यू नो वाई वी कम हियर. तो अगर आपके एरिया में भी कोई ग्रीन ग्रॉसर है, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, प्लीज़. और वो पैक था प्लास्टिक के कंटेनर में, यहाँ पे इट्स ऑल ओपन, अपने हिसाब से आप ले सकते हो क्वान्टिटी. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रीजर है ये. यहाँ पे आपको टर्निप, बीट रूट, ये सैलड के लिए घास कहती हूँ मैं, बट लीव्स, तोरी मिल जाएगा, मूली, ये कुछ चाइनीज सब्जियाँ हैं, हर्ब्स, भिंडी ऑफ कोर्स, भिंडी, लौकी, अदरक, करेला, यू गेट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, केओ, चिलीज. यहाँ पे काफ़ी कुछ बल्क में भी मिलता है. तो दिस इज पाकिस्तानी बासमती राइस, बट हम इंडियन स्टोर से लेते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं. राइस है, लाइक ऑयल, विनेगर, दिस इज विनेगर, दिस इज ह्यूज. Where are we heading next? Indian store. Chalo, chale. Oh, you didn't scan. Now we have rice. Ye store thoda chota hai, but milta sab kuch hai. All your namkeens, achar. Thode mehenge hai, but never mind. बट हमें नमकीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए चावल और एक दो चीज़ें. चलो वो लेते हैं. तो यहाँ मिलते हैं स्पाइसेस, MBH, एवरेस्ट, ये सब भी है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं. हमें चाहिए बिरयानी मसाला, शान का बिरयानी मसाला काफ़ी टेस्टी होता है, तो वो ढूंढते हैं पहले. आई थिंक जो भी आपको बनाना हो ना, उसके लिए एक मसाला यहाँ जरूर मिलता है. दैट्स द बिरयानी मसाला. डेट जरूर चेक करना हो, वरना कभी कभी एक्सपायर प्रोडक्ट भी मिलता है. December 2023 आई थिंक. ये ठीक है. कुछ दिन पहले ही मैं सोची थी गंगा जल के बारे में. देयर यू गो, गंगा जल, सब कुछ मिलता है. Arun, how much did you pay in the Indian store? $40. What did you buy?
मसाला, एक बिरयानी मसाला, चावल और काजू, $30. ओके. Also guys, do follow me on Instagram. My Instagram ID is imi_australia. I make a lot of relatable funny reels and I share a lot of valuable content over there. So agar aapne mujhe wahan follow nahi kiya hai, to go follow me there. 1, 2, 3, 4. Right, so we are back. तो बिफोर आई शो यू कि हमने क्या खरीदा है, हाउ मच डिड वी स्पेंड? $100. सो $22 कोल्स में, 52 डॉलर्स हमारे ग्रीन ग्रोसर्स के पास जहां से हमने सब्जियां ली है, और इंडियन स्टोर में ऑलमोस्ट $30. सो 30 and 52 and 22, सो ऑलमोस्ट $100. और हम कैश से पे कर रहे थे जस्ट बिकॉज हम ट्रैक रख पाते कि हमने कितने पैसे स्पेंड किए हैं ग्रोसरीज पे. तो इसके पहले कि मैं आपको दिखाऊँ कि हमने क्या खरीदा है, लेट मी शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू, शॉर्ट स्टोरी विद यू. अरुण, जब मैं 2019 में आई थी तो हमें कितना टाइम लगता था इनिशियली ग्रोसरीज खरीदने में वीकेंड पे? मिनिमम 3 to 4 hours. इट्स एक्चुअली बहुत ही एम्बेरसिंग, बट हमें इतना टाइम क्यों लगता था? हम इतने कंफ्यूज थे कि कहाँ से क्या लेना है. यूज्ड टू जस्ट रोम अराउंड एंड यू नो जस्ट टेक इट लाइटली. मतलब लाइटली तो नहीं बोलूंगी, सीरियसली लेते थे, बट हमें समझ नहीं आता था कि कौन सी चीज कहाँ है. और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें ब्रेड लेना है, तो अब हम कोल्स में ब्रेड ले, एल्डी में ले, या हम बुलबर्थ में ले, या लोकल शॉप से ले, हमें कुछ पता नहीं था. तो हम घूमते रहते थे बेटर डील खोज में कि स्पेशल में कहाँ मिल जाएगा. सो हमें बहुत टाइम लगता था, बट अब आई थिंक 1 hour इज इनफ. और हम पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं, बट 1 hour इज इनफ फॉर अस जब हमें मेजर पूरी मतलब वीक की शॉपिंग करनी होती है तब, वरना तो लाइक 10 minutes इज इनफ. क्योंकि अब हमें पता है कि हमें कौन सी चीज कहाँ से लेनी है. तो अगर आप न्यू हो ऑस्ट्रेलिया में और आपको काफी टाइम लग रहा है ग्रोसरीज खरीदने में, आई कैन गारंटी आप वक्त रहते सही से सीख जाओगे कि कैसे जल्दी ग्रोसरीज खरीदनी है. ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो आप अगर आप लॉस्ट फील करते हो हमारी तरह ग्रोसरी स्टोर्स में. बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ प्रोसेस. लाइक टाइम लगा हमें ये सब सीखने में कि कैसे हम जल्दी जल्दी चीजें ले सकते हैं, बिकॉज लाइक सुपर मार्केट्स आर ह्यूज. मतलब आपने वीडियो में देखा होगा, दे आर ह्यूज. कन्फ्यूजन तो लाजमी है, और यहाँ कोई छोटू होता भी नहीं है. मतलब हेल्प के लिए लोग होते हैं, बट कोई छोटू नहीं है जिसको आप बोलते हो भैया तेल कहाँ है बताना, और वो आपको आके दौड़ के निकाल के ला के दे दे, आपको खुद ढूंढना होता है. सो हाँ, इट्स एन एडवेंचर, बट लेट मी शो यू व्हाट ऑल वी हैव गॉट. तो हमने इंडियन स्टोर से तो काफी कुछ नहीं लिया है, बट हमने थोड़े कॉर्न कर्नल्स लिए हैं, थाई ग्रीन करी, ये दो हैं क्योंकि ये स्पेशल पे था. सो गाइज, अगर आपको कोई चीज स्पेशल पे मिल रही है जो लॉन्ग लास्टिंग है, तो थोड़ा बल्क में खरीद लो, पैसे बचते हैं इससे. स्ट्रॉबेरी एग्स, हाँ हम इतने अंडे खाते हैं गाइज, प्लीज डोंट बी सरप्राइज, हम बहुत अंडे खाते हैं. ब्लूबेरी, शान का बिरयानी मसाला, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, और ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ. हैलापिनो मिक्स, हैलापिनो एंड चिली मिक्स भी काफ़ी अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है. सम ट्यूना, दूध मैंने आपको दिखाया था, काजू, और ये है सॉरी आई कांट रीच इट, बट ये रहा पूजा के लिए बाती. और मैं ये तो दिखाना ही भूल गई कि हमने फॉर्च्यून का ये बासमती राइस खरीदा है. कितना केजी है ये? 5 kgs. और इसके साथ हमें अंकल के पास चेंज नहीं था, तो हमें बार वन मिला है, फ्री का नहीं है, 40 cents लगे हैं, बट यस वी गॉट बार वन. और सब्जी में हमने लिया है बॉक चॉय, पपीता, पम्पकिन, ज़ुकिनी, कैप्सिकम, बीन्स, ऑरेंजेस, मशरूम, टमाटर, एप्पल. मशरूम इस ब्राउन बैग में है, बॉक चॉय एंड दैट्स इट. सो इन सब में से राइस हमें काफ़ी दिन लास्ट करेगा, काजू काफ़ी दिन लास्ट करेगा, स्पाइसेस, बट ये कॉर्न, ट्यूना और एग्स आई थिंक ये विद इन 1-1.5 weeks में ख़त्म हो जाएंगे. सब्जियाँ 2 से 2.5 हफ्ते चल जाएंगे. क्योंकि हम बस 2 लोग हैं तो हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्ट्रगल शुरू होता है अब इन सबको अरेंज करना है फ्रिज में और पैंट्री में, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. आई थिंक अरुण हैज स्टार्टेड डूइंग इट, बट आई डोंट लाइक इट एनी वेज. सो हाँ, वीकली हम स्पेंड करते हैं. अभी ये हमने वीकेंड पे ये सब बल्क में चीज़ें खरीदी हैं, बट
ड्यूरिंग द वीक हम ब्रेड खरीदने चल जाते हैं, या कभी कुछ छोटा मोटा कम हुआ या अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जाते हैं, तो आप समझ लो $25 to $50. सो वीकली ऑलमोस्ट $150 की ग्रोसरीज होती है, विच इज़ लाइक मंथली आप कहो तो अप्रॉक्सीमेटली $500 तो कहीं नहीं गए, इतने की ग्रोसरीज तो आप ज़रूर खरीदोगे ही एज अ कपल, प्लस माइनस $100 रख लो। कुछ लोग बहुत कुछ फैंसी चीज़ें खरीदते हैं, हम काफ़ी बेसिक ग्रोसरीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट दैट्स वॉट वी बाय ऑलमोस्ट एवरी वीक। मतलब ये चेंज होता रहता है बट आपको आइडिया लग गया होगा। तो मैं चाहती हूँ इन सबको अरेंज करने, एंड दैट वॉज अ ग्रोसरी ट्रिप विद मी वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट वीडियोज यू वुड लाइक टू सी नेक्स्ट, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाई।